आखिर क्या मार दिया उसको क्या नाम है ये किस सिर पर मार दिया ब्लेड उसका छोटा छोटा भाई सब अन्नू सब ब्लेड ब्लेड मार दिया पूरा जिसमें अच्छा अच्छा मैं भाई का चिपका दिया अभी आ गया मैं भाई का पूरा चिपका दिया कौन लोग हैं बोलो कौन है सो बेटा 200 का पूरा चिपका 200 हो चुके हैं और बता रहे हैं दो अपराधी और हैं जो दो अभियुक्त हैं जिसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी नाम आएगा इसमें जो सम्मिलित है उसके सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। आपसी विवाद कहें या वर्चस्व की लड़ाई, इस चक्कर में एक युवक की जान बुधवार को इलाज के दौरान चली गई। बुधवार को सेनापत मोहल्ले में 5 साल बाद सऊदी अरब से ईद के मौके पर आए नसीम अंसारी का पुत्र 23 वर्षीय तनवीर अंसारी की हत्या उसी मोहल्ले के जुबैद हसन के द्वारा कर दी गई। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम जुबैद हसन अपने वर्चस्व को लेकर तनवीर अंसारी के साथ गाली गलौज किया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब तक घर के लोग समझ पाते तब तक जुबैद ने गाड़ी के सॉकर से तनवीर के सर के पीछे वार कर दिया, जिस वजह से वह बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसको DMCH में इलाज के लिए ले जाया गया, परंतु DMCH ने उसे पटना रेफर कर दिया जहां इलाज के दौरान तनवीर की मृत्यु हो गई। अरे ऐसे काय कर रहा हो, चचा को ड्यूटी ने मार दिया, उसका बेटा आया वो मारा, सब मिलके तीनों मिलके उसको मार रहा था, कोई ना बचा रहा था, दौड़ा दौड़ा के गाड़ी के बम्पर से आया, ये किस सिर पर मार दिया ब्लेड उसका छोटा छोटा भाई सब अन्नू सब ब्लेड ब्लेड मार दिया पूरा जिसमें चचा का पैर में भी चक्कू घोप दिया। ठीक है आया बहुत तो पहले बाप बेटा को खूबे मारा, बहुत मारा मारा, फिर बात खत्म होती है, फिर हम लोग भाई लोग के मारा बस आया, फिर दूसरा काम रखे आएंगे तो सीधा मार करके निकल गया। झंझट का कारण क्या था? वहीं इसे लेकर बुधवार को भी जुबैद के साथ तनवीर के घर वालों में बहस हुई और मेहदी अंसारी के पुत्र शमशाद अंसारी को बुरी तरीके से घायल कर दिया और उसके सर पर जानलेवा हमला किया, जिसमें घायल का इलाज DMCH में हुआ। हम लोग वहाँ से आया मेरा भाई सऊदी से, ठीक है ना, और उनको क्या बोलना था, घर द्वार बना रहा था और यहाँ बोल रहा था इसकी मम्मी आई तो समझा दिया सबके साथ रह लेना, मगर बोला कि बेटा के साथ नहीं रहना, इसलिए उन्होंने रहता था तो इसलिए क्या बोल रहा तू बेटा दूर में पकड़ा दो तुझे मारूंगा मैं, और बोल रहा था यहाँ उसको अमन को बोल रहा थी अमन तू जहाँ पर भी देखेगा उसको टांग हाथ तोड़ के अपने घर तले ला के लगा देगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था। आखिर के मार दिया उसको। तनवीर अंसारी की हत्या को लेकर पूरे मोहल्ले के लोगों में आक्रोश व्याप्त था, जिससे मोहल्ले वासियों ने जुबैद के जूते चप्पल की दुकान के सामान को आग लगाकर सड़क को जाम कर दिया। मोहल्ले के आक्रोश को देखकर जुबैद के परिवार वाले इधर उधर भागने लगे और जुबैद एक घर में जाकर छिप गया, जिससे मोहल्ले वालों का गुस्सा बढ़ गया। बहुत मारा पीटी हुआ, इतना मारा पीटी हुआ, 2-3 को पहले केस हुआ, 12 को केस हुआ, कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ नहीं किया, यही कुछ सोचता कि हम ये बेराबेरी सबको मार के खत्म कर दे, लेकिन मोहल्ले वाला कोई कुछ नहीं, कमजोर है, बढ़िया कोई नहीं है, वो बढ़िया 10 को बेटा है उसके पास, वो सोचता जेको तेको सबको मारे। हाँ मोहल्ला में जो पैसे वाला हो गया ना, कोई गरीबी आदमी आप ऊंचा में तरक्की कर लिया, उसको सोचता कि हम कमजोर कर दें,
कमजोर कर दे, ऐसा कर दे जो मेरे से नीचा रहे। बताते चले कि मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस के द्वारा भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होती गई। इसके बाद लहरियासराय थाना पुलिस, विश्वविद्यालय थाना पुलिस, बहादुरपुर थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस एवं दंगा नियंत्रण सहित डीएसपी और एसडीओ के मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ काफी देर के बाद नियंत्रित हुई और मुख्य आरोपी जुवैद हसन को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके अलावा दो आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि जुवैद अपने रवैये में कभी सुधार नहीं ला पाया, वह बहुत दिनों से मोहल्ले वालों को परेशान करता आ रहा है और सबके साथ मारपीट गाली गलौज भी करता था। कल जो है सेनापथ मोहल्ला में मृतक तनवीर और अपराधी जुवैद दोनों के बीच में जो है कि मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट में जो है तनवीर का सर पर चोट लगा था, जिसे इलाज हेतु डीएमसीएच भेजा गया था और वहां से स्थिति खराब होने के पर पीएमसीएच पटना में भेजा गया था, जहां पर इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर करके मुख्य अभियुक्त आरोपी जुवैद उर्फ भोला एवं उसका दो बेटा को अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी बचे हैं उसमें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा था कि जुवैद जो बदमाश है बराबर मारपीट करते रहता है मोहल्ला में, पहले भी केस है उस पर। कितने आरोपी? जो तीन आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और बता रहे हैं दो अपराधी और हैं, जो दो अभियुक्त और हैं जिसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी नाम आएगा इसमें जो सम्मिलित है उसके सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।